अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में गिलियड की रेमडेसिविर दवा को कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा व्हाइट हाउस में गिलियड के सीईओ डेनियल ओदे और खाद्य और औषधि प्रशासन के कमिश्नर स्टेफन हॉर्न की मौजूदगी में की। खाद्य और औषधि प्रशासन ने बयान जारी करके ये कहा कि गिलियड साइंस की ये दवा खासतौर पर उन मरीजों को दी जाएगी जो गंभीर बीमारी के शिकार हैं, जैसे कि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उन्हें अलग से ऑक्सीजन दिया जा रहा है या फिर वो वेंटिलेटर पर हैं।